हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आज धूप अच्छी निकली है और मैंने सर भी धोया है। फ्राइडे है आज और 7 फरवरी है। मैं बाहर बैठी हूँ, मैंने सोचा कि बाहर बैठती हूँ, थोड़ी देर बाल सुखाती हूँ और थोड़ा सा मूड भी ठीक नहीं है, तबीयत भी ठीक नहीं है। मूड की वजह से तबीयत खराब हुई या तबीयत की वजह से मूड खराब हुआ? मुझे लगता है जब मूड खराब होता है तो तबीयत अपने आप खराब हो जाती है, क्योंकि जब थोड़ा सा भी मूड खराब होता है ना, हम किसी चीज के बारे में सोच रहे होते हैं तो सर दर्द शुरू हो जाता है, और सर दर्द शुरू होता है तो फिर मन नहीं करता कुछ भी करने का। लेकिन यार ये सारी चीजें भी ना तभी होती हैं, आदमी लोगों के लिए होती हैं, उनका मन नहीं करता है, वो सो जाते हैं चुपचाप। इनके साथ यही होता है, जैसे मूड खराब है थोड़ा बहुत, वैसे तो होता नहीं है, बहुत ही कम ये किसी चीज को लेते हैं या मुझे बताते हैं। होता भी होगा तो पतियों की ये होती है कि वो बीवियों को नहीं बताते, घर में नहीं लेकर आते परेशानी। अब इन मर्दों को अच्छा कहें या क्या कहें, मैं कहती हूँ बताया करो, दिल हल्का हो जाता है। बताते नहीं है, जैसे मैं बोल देती हूँ ना मेरा मूड खराब है, पूछते हैं क्या हुआ, मैंने बताया कि ये बात है तो बोलते हैं इतना तो मेरा रोज रहता है। मैंने कहा तुम बताते नहीं हो, कह रहे अगर मैं ऐसे बताने लगा तो तुम्हारा तो फिर रोज, मेरा तो मूड खराब होगा, तुम्हारा ज्यादा होगा। तो मतलब क्या बोले, आदमी लोग तो बताते ही नहीं है कुछ भी, जो भी होता है सब अपने अंदर रखते हैं, फिर भी हम ओढ़ते हैं। कितनी शिकायतें करती है ना, ये नहीं है वो नहीं है, बहुत सारी चीजें होती हैं। हम भी किससे कहें, हमारी भी गलती नहीं है, किससे कहें। तो थोड़ा सा मेरा मूड खराब है, आज मैं वीडियो नहीं करने वाली थी, लेकिन मैंने सोचा कि मैं सैटरडे को नहीं करती हूँ वीडियो, संडे में मेरा वीडियो नहीं जाता है, अधिकतर नहीं जाता है। अगर वीडियो बन जाए, कुछ स्पेशल है, तो फिर चला जाता है संडे में। आप लोग भी रोज रोज थोड़ा हो जाते होंगे मुझे देखकर, एक दिन आप लोगों को भी गैप मिल जाए, तो फिर मैंने कहा चलो वीडियो शुरू कर देते हैं। एक चीज और होती है, जब मैं वीडियो शुरू कर देती हूँ तो मेरा मूड जो है ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। पता नहीं मैं कहाँ से बात शुरू की, वीडियो शुरू की और कहाँ पे आ गई मैं हूं ऐसी, मैं बात करती हूँ कहीं से और आ जाती हूँ कहीं पे। आप में से एक दो लोग बोलते हैं रश्मि तुम बात कहाँ की करती हो, आ कहाँ जाती हो। पर एक चीज है, मेरे जो मेरा ये YouTube चैनल है, आप जो मेरी फैमिली हो, YouTube फैमिली, मैंने बहुत कुछ सीखा है यहाँ से, एक अलग पहचान तो बनाई है, लेकिन इस पहचान के पीछे भी बहुत सारी चीजें हैं। कल एक कॉमेंट आ रहा था, जब मैं रात में कॉमेंट पढ़ रही थी, रिप्लाई कर रही थी, तो एक कॉमेंट था, आपका यूट्यूब का जो सफर है, जो ये जर्नी है, ये काफी आसान रही या मुश्किल रही, क्योंकि आपका परिवार काफी अच्छा है, तो आपका कैसा रहा? तो देखिए चीजें तो बहुत सारी हैं इसके पीछे। हमें लगता है कि हम यूट्यूबर हैं, बहुत अच्छे हैं, एक नाम हो गया है, बहुत बड़ी मेरी यूट्यूब की फैमिली है, आप जो मेरे परिवार के जो ये सदस्य हैं रोज बढ़ते हैं, मैं खुश भी हूं। लेकिन आप लोगों को पता है एक यूट्यूबर की आम जिंदगी में, आप लोगों को लगता होगा यार, जिन्होंने अभी भी चैनल शुरू किया उनको लगता होगा कि बहुत अच्छे उस पे हूं, मैं लेवल पे हूं, मैं मानती हूं मैं बहुत अच्छे लेवल पे हूं, बहुत जल्दी मैंने इस मुकाम को पाया है। लेकिन कोई वैल्यू नहीं होती यूट्यूबर की, मतलब जैसे मैं गांव से हूं, आपको पता है मेरे पीछे लोग हंसते हैं मुझे लेकर, बोलते भी होंगे कुछ कुछ, मैं वीडियो बना रही हूँ ऐसे बैठी हूँ, लोग देख रहे हैं इधर से आते जाते, तो वो हंसते हैं मेरे ऊपर मैं क्या कर रही हूँ। मैंने सुना है, बहुत बार सुना है मैंने बहुत सारी चीजें ऐसी सुनी है जो मेरे बहुत करीब है कि इसने तेरे लिए ये बोला, लेकिन अब क्या करे, समझ जाए। अगर मैं कोई अच्छा सा काम कर रही होती, जॉब लगा लीजिए, तो उसमें शायद इतना वो नहीं होता, लोग समझते या बोलते भाई मेरे परिवार में ये है, शायद लोगों को शर्म आती हो कि मेरे परिवार में कोई यूट्यूबर है, मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि मैंने वो चीजें सुनी हैं कि ये बोलते हैं, या कुछ लोग बोल देते हैं ये क्या ड्रामा है, ड्रामा। तो आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। बस ऐसे ही एक दिन मन में आया, चैनल शुरू कर दिया, ये भी नहीं सोचा था कि मैं यहां तक पहुंचूंगी, ये भी नहीं सोचा था कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोलेंगे, कुछ भी नहीं सोचा था मैंने। हाँ, जब धीरे धीरे बातें सुनाई आने लगी कि उसने ये बोला, वो हंसते हैं, वो ये कहते हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीजें जो लग जाती हैं, वो सारी चीजें सुनी, फिर धीरे धीरे लगने लगा, अपने आप में ही क्वेश्चन उठ जाता है, क्या मैं सच में ड्रामा बनती कर रही हूँ या मैं सच में गलत हूँ,
क्या मैं गलत हूँ, मतलब इस तरह की चीजें आ जाती हैं मन में, जबकि समझना चाहिए यूट्यूबर बनना कोई आसान काम नहीं है। मेरे को नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ, मैं ठीक से एक्सप्लेन कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, लेकिन इतना पता है कि मैं खुश हूँ। अगर मैं ये सब सोचूंगी तो फिर मैं उलझ जाऊंगी इन सब में। आप सब हो ना मेरे साथ, आप सबको अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है, बस फिर जाने देते हैं भाड़ में। बाकी बहुत सारी चीजें हैं, यूट्यूब जर्नी बहुत बहुत कुछ है इस जर्नी में, अगर आप लोग सुनना चाहेंगे। मैं चाहती हूँ कई बार कि आप लोगों के साथ शेयर करूं, लेकिन तभी लगता है कि अभी तो ये जर्नी मतलब कंप्लीट ही नहीं हुई है, अभी तो ये चल रही है। कुछ नया देखने को मिल जाता है, कुछ नया सुनने को मिल जाता है, तो फिर मैं सोचती हूँ कि नहीं अभी शेयर करने का टाइम नहीं आया, अभी तो चल रहा है। तो देखते हैं, अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं सोचूंगी मैं शेयर करूं कि नहीं करूं। चीजें बहुत सारी हैं, नाम तो यहां पर नहीं लूंगी मैं किसी का भी, किसने मुझे क्या कहा, क्योंकि जब वो देखेंगे वो समझ जाएंगे। पता होता है कि हमने ये बोला है, इसको पता चल गया, पता चल जाता है। मैं किसी के पीछे कुछ बोलूंगी ना, सबको पता चल जाता है। इधर की उधर करने वाले बहुत होते हैं, और ये भी होता है कि पता नहीं किसी ने बोला यार वो तो पागल है, उसे कुछ नहीं आता, इतना बोला उसने, वहां जाकर जो बीच में बंदा था जिसको मैंने बोला, उसने वहां जाके कुछ और ही बना दी वो बात। उसने पता तेरे को ये बोला कि तू पागल है, एक दो गालियां अपनी तरफ से लगा दी, ऐसे बोला वो तेरे बारे में ये सोच रखता है। तो वहां जाके वो बात जो है, वो होता है ना दिए थे चावल खिचड़ी बना दी, तो वो चीज होती है। तो कभी कभी आप दूसरे की सुनी हुई बात पर भी जो है ना ज्यादा रिएक्ट करें, आप भिड़वाने वाले बहुत होते हैं, तो दिमाग का भी थोड़ा यूज करना चाहिए। परिवार हो चाहे बाहर हो या कुछ भी हो, तो थोड़ा सोचना भी चाहिए। कितनी सारी मैंने ज्ञान की बातें कर ली। अभी यहां बैठी हूँ, बालों को सुखाऊंगी, उसके बाद जाती हूँ अंदर। सब्जी आप लोगों को पता है मैंने काट पीट के रखी हुई है, और देखती हूँ उस सब्जी में से कौन सी सब्जी बनाती हूँ और उसके साथ क्या बनाती हूँ। सुना फोन आ गया, आप लोगों से बात करती हूँ, फोन जरूर आता है, सुन के आती हूँ। मैं किचन में आ चुकी हूँ और मैं सोच रही हूँ कि मेरे पास एक घंटा है, वैसे इससे ज्यादा टाइम है, लेकिन मैं एक घंटा लेके चल रही हूँ 60 मिनट, और 60 मिनट में मैं खाना तैयार करने वाली हूँ, जिसमें मैंने सोचा कि मैं बनाऊंगी दाल चावल, सब्जी रोटी, रायता और सलाद। अब देखते हैं कि मैं 60 मिनट में कर पाती हूँ कि नहीं कर पाती हूँ। आप बोलेंगे कि 60 मिनट में ये हो जाएगा, लेकिन अगर 60 मिनट में आपको अपना किचन भी समेटते हुए चलना है, साथ के साथ जो बर्तन हो रहे हैं वो भी साफ करते हुए चलना है, तो थोड़ा मुश्किल रहता है। हाँ, अगर आपको सिर्फ 60 मिनट में सिर्फ खाना बनाना है तो मुश्किल नहीं होता है, लेकिन जो मेरे जैसी बहुत सारी हाउसवाइफ है जिनके पास हाउस हेल्पर नहीं है बर्तन के लिए, तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। मैं आप लोगों को टाइम दिखा देती हूँ, ताकि कुछ भी जो है झूठ मूठ ना रहे, सब एकदम क्लियर रहे। तो 1:37 हो रहे हैं, ठीक है। अब 2:37 पे देखते हैं हम कितना कर पाते हैं कितना नहीं। चलिए आपके मेरे साथ शुरू हो जाएगी। यहाँ पर मैंने जो अपना काम है वो शुरू कर दिया है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि मैंने कहा सब्जी को छोंकते हैं, क्योंकि सब्जी में थोड़ा सा टाइम लगेगा भाप भाप में बनने में। तो सब्जियाँ तो सारी कटी हुई थी मेरे पास, बस आलू जो है वो काटने हैं। तो मैंने आलू ले लिए हैं, आलू थोड़े से ज़्यादा लिए हैं, क्योंकि बच्चे जो है ना उनको आलू ही चाहिए होते हैं, तो इस वजह से आलू ले लिए हैं। और उसके बाद जो है इस सब्जी को छोंकना है, तो उसके लिए प्याज, हरी मिर्च वगैरह। और ये जो मैं अपने साथ चैलेंज करती हूँ, इसमें मुझे बड़ा मज़ा आता है, ये मैंने आज तक आप लोगों को नहीं बताया होगा, तो मेरे बस ऐसे ही मन में आया और ये बात भी आज निकल गई बातों में। तो मैं आप लोगों को बोलूँगी ना, एक दिन आप लोग करके देखना, खाने के टाइम पे ही नहीं, सुबह जो सफाई का टाइम होता है मैं उस पे भी बहुत बार करती हूँ कि चलो देखती हूँ मैं 1.5 घंटे में कितना काम करती हूँ, चलो देखते हैं मैं 2 घंटे में कितनी सफाइयाँ कर लेती हूँ। तो इस तरीके से मैं करती हूँ, बड़ा मज़ा आता है। और कई बार जब जल्दी हो जाता है तो खुशी सी होती है, हालांकि कोई इनाम नहीं देता, कुछ नहीं होता है, लेकिन एक अजीब सी खुशी मिलती है। तो इस तरह से काम करना मुझे कभी कभी आसान भी लगता है और अच्छा भी लगता है। और होता क्या है कि इस चक्कर में ना हमें पता ही नहीं चलता कि हम कितना काम कर गए, हमें
क्योंकि ये रहता है कि हमें टाइम को मात देनी है, हमें समय को मात देनी है। तो सब्जी को धो लिया है, इस बीच मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी, प्याज वगैरह रख दिए थे, तो देखिए यहाँ पे प्याज हो चुके हैं, उसमें मैं सूखे मसाले डाल रही हूँ और सूखे मसालों में मैंने इसमें डाले हैं नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर। तो इन सबको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, एकदम से सब्जी नहीं डालती हूँ मसाला डालने के बाद, थोड़ा सेकेंड्स उनको रखती हूँ तेल में, थोड़ा सा भूनती हूँ, उसके बाद मैं उसमें सब्जियाँ डालती हूँ। तो सब्जियों में मैंने यहाँ पे ली है आलू, गोभी, मटर, गाजर, बीन्स, ये सारी सब्जियां हैं, और बस मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी मसालों के साथ, उसके बाद प्लेट ढककर छोड़ दूंगी। इसको थोड़ा टाइम लगेगा, इसीलिए मैंने जो है सबसे पहले सब्जी को उठाया था, मैंने कहा इसको पहले छोंकती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे ये मैंने मसूर की दाल ले ली है, अब इसको भी अच्छे से धो लूंगी, साफ मैंने कर लिया है, इसको हाथ निकाल लिया है, और उसके बाद बस इसको धो के कुकर में चढ़ा दूंगी। इसमें 1-1.5 सीटी लगती है, तो देखते हैं क्या कितना कैसे क्या कर पाती हूँ, लेकिन एक खुशी मिलती है। आप लोग ट्राई करना, चाहे घर के किसी भी काम को लेकर ट्राई करना, खाने को लेकर या मॉर्निंग रूटीन में, मतलब कभी भी आप इसको टाइम को लेकर ना मेरे साथ फिर शेयर करना कि आपका कैसा अनुभव रहा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो दाल धोली है, मैंने गैस पे रख दी है, और इसमें मैंने नमक और हल्दी और थोड़ा सा घी डाल दिया है, और उसके बाद ढक्कन लगा दूंगी। 1 सीटी में हो जाता है ये, 1.5 सीटी में आराम से ये दाल गल जाती है। मैं बनाने चली थी रायता, देखा तो बूंदी ही नहीं है मेरे पास, तो बूंदी लानी पड़ेगी, पहले बूंदी का रायता बनाऊंगी। 10 रुपए ढूंढ रही हूँ, वैसे मेरे पास है लेकिन मैं सिक्के खर्च नहीं करती हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कहीं 10 का नोट मिल जाए ना। मिल गए 10 रुपए, लेकिन कोरे कोरे से हैं, मैं सोच रही थी कोई खराब से मिल जाते ना, थोड़े पुराने वाले, तो वो उससे लेके आती। बूंदी सामने से मिल जाएगी, शॉप है तो मैं वहां से लेके आती हूँ बूंदी, फिर बनाऊंगी बूंदी का रायता। आंटी आंटी आंटी, इसके यहाँ 10 बूंदी का पैकेट भेज देना, 10 रुपए का बूंदी का। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ रायता, दही को मैंने अच्छे से पहले फेंट लिया है, और अब मैं उसमें डालूंगी जो सूखे मसाले होते हैं वो, और इसमें मैं डालूंगी जैसे कि काला नमक हो गया, जीरा पाउडर हो गया, काली मिर्च, और साथ ही जो चाट मसाला होता है वो, तो ये सब मैं इसमें डालूंगी, और उसके बाद मसालों को अच्छे से मिक्स कर लूंगी दही में, और जो बूंदी है फिर वो इसमें डाल दूंगी। बूंदी को मैं धोकर ही डाला है इसमें, और कुछ लोग भिगोकर भी डालते हैं पानी में, मेरे घर खुद जो है पानी में भिगोकर डालते हैं बूंदी को, थोड़ी देर रख देते हैं, या फिर क्या करते हैं कि गुनगुने पानी में कर लेते हैं बूंदी को, फिर निचोड़ के डालते हैं। तो जैसा मैंने देखिए यहाँ देखा, मैं वैसे ही शुरू हो गई। तो अभी मैं बस बूंदी का रायता बनाने के बाद मैंने कहा चलो भाई चावल भी साफ कर लिए हैं तो इनको भी धो लेते हैं, और दाल चेक करूंगी, दाल में सीटी निकल चुकी है, जो उसका प्रेशर था निकल चुका है, तो बस इसको तड़का लगाना है। तो मैं क्या करूंगी कि दाल को कुकर से निकाल लूंगी, भिगोने में निकाल लूंगी, क्योंकि मुझे इसी कुकर में जो है चावल को भी छोंकना है। तो इस कुकर को बस मैंने ऐसे ही पानी से धोया, पहले मैं सोची थी कि मैं दूसरे कुकर में चावल को छोंक देती हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि क्या यार बर्तन फिर बाद में मुझे ही करने हैं, तो इसी कुकर में से जो है मैं पानी से धो के इसमें ही चढ़ा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने चावल चढ़ा दिए हैं, 1 सीटी में बन जाएंगे, और उधर सब्जी बन चुकी है, मैंने गैस बंद कर दी है, प्लेट हटाई हुई है सब्जी की, क्योंकि क्या होता है प्लेट पे जो भाप जाती रहती है, पानी होता है वो, फिर वो सब्जी में जाता है, फिर वो मुझे अच्छी नहीं लगती है, इसी वजह से तो मैं पानी में नहीं डाल, मतलब पानी बिल्कुल भी नहीं डालती हूँ सब्जी में। तो थोड़ी देर जो है जब तक किचन में हूँ इसकी प्लेट ऐसे ही रखूँगी मैं हटाए हुए,
तो यहाँ पे मैंने दाल के तड़के की सारी तैयारी कर ली है, प्लेट ढक के छोड़ दिया है क्योंकि टमाटर जो है स्टील में जल्दी से नहीं गलते हैं, तो प्लेट ढक देती हूँ ताकि वो जल्दी से गल जाएं। और उसके बाद मैं करने लगी हूँ यहाँ पे सलाद की तैयारी। तो सलाद में मैंने जो है प्याज और मूली लिया है और उसमें नमक, काली मिर्च, चाट मसाला, नींबू ये सब डाल दिया है, अच्छे से मिक्स कर दूंगी। खीरा भी होता तो बच्चे भी खा लेते लेकिन मूली प्याज बच्चे नहीं खाते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है दाल तैयार हो चुकी, मतलब तड़का तैयार हो चुका है, तो तड़के में दाल डाल दी है, मिक्स कर लूँगी अच्छे से। और धनिया मैंने क्या किया था, लास्ट में तड़के में ही डाल दिया था, ऊपर से नहीं डाला, मतलब जैसे ही तड़का तैयार हुआ मैंने धनिया डाला उसमें और उसके बाद दाल डाल दी। तो बस प्लेट ढक दूंगी, दाल भी तैयार हो चुकी है, सब्जी भी तैयार हो चुकी है और इसकी गैस बंद कर दूंगी। तो खाना मैंने सब बना लिया है लेकिन मैं हार चुकी हूँ, टाइम जो है ऊपर चला गया है। बाकी खाना सब बन गया है, यहाँ चावल, इधर दाल, इधर सब्जी, ये सलाद और ये रायता। और आटा सुबह का जो बच्चों के लिए गूंथा था पर उनके टिफिन के लिए वो रखा हुआ है। तो सब कुछ बन चुका है और मैं जो हूँ हार चुकी हूँ क्योंकि टाइम हो रहा है 2:43 बात हुई थी 1:37 से शुरू। तो हारना जीतना भी क्या, थोड़ा अपने आप से भी वो हो जाता है कि चलो एक स्पीड सी आ जाती है अंदर, बनाना है करना है, बनाना है करना है। तो टेस्ट का तो बच्चे लोग आके बताएंगे, इनको आने में अभी बहुत टाइम है, आधा घंटा है पूरा। तो चलिए मैं आपको सब कुछ दिखाती हूँ। ये चावल हैं, आज मैंने इसमें मटर डाल दी थी, थोड़ी सी हल्दी नहीं डाली क्योंकि मटर डालती फिर हल्दी डालती तो दिखती नहीं, मटर थोड़ी सी ना मन किया कि मैंने कहा सिर्फ जो है हल्दी नहीं डालती मटर डालती हूँ। और जीरा नहीं डाला मैंने, जीरे से नहीं छोंके, सिर्फ ऐसे ही चावल और उसमें मटर। और ये है रायता और उधर है सलाद मूली और प्याज का और इधर है दाल, इधर है सब्जी। तो सब कुछ बन के बढ़िया तैयार हो चुका है। सब्जी देखती हूँ, वैसे मैंने चला ली है, ये देखिए एकदम बढ़िया मजेदार सब्जी भी बन के तैयार है, मिक्स सब्जी। बस अब ये लोग आएंगे तब मैं खाना लगाऊंगी, इन सबको ढक देती हूँ। बाहर का जो मौसम है एकदम चेंज हो चुका है, काली घटा है एकदम, उधर की साइड एकदम चेंज हो गया मौसम। अंदर पता चल जाता है क्योंकि जब मैं अंदर होती हूँ और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, पता चल जाता है अंदर, क्योंकि जब अगर बाहर धूप है तो अंदर जो है रोशनी सी आती रहती है। मुझे लग गया था कि हाँ मौसम खराब हो चुका है, तो बाहर का मौसम खराब हो गया है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है और मैं यहाँ के बैठ गई हूँ थोड़ी देर, इनका इंतज़ार कर रही हूँ। रोटी तो मैं पोके रख दूंगी 10-5 मिनट में अंदर जाके, अगर पोके रखूंगी ना फिर ये ले लेंगे चावल के साथ रोटी, वरना चावल चावल खाएंगे। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ये मैंने ऐसे करके रख दिए, रोज जगह चेंज होती है, कभी उधर कभी इधर कभी उधर। और ये इस तरह से है, एक इधर एक बाहर की साइड भी है। और बैक कैमरे से दिखाती हूँ, ऐसे ज्यादा दिखेगा नहीं, पहले तो मौसम दिखाती हूँ। देखिए कैसे काली काली घटा हो गई है, हवा चलने लगी है अचानक से, किस किस के यहाँ मौसम चेंज हुआ बताना। और ये मैंने इधर लगाए हैं पौधे, एक उधर है एक इधर, एक रेड एक वाइट, एक रेड एक वाइट, इस तरीके से। ये इकलौता बचा था और इसके अंदर ना मनी प्लांट की वो लगा दी है, अब देखते हैं हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। उधर वो चारों पुराने वाले, यहाँ देखिए पहले से ही है लगे हुए, पहले इधर 3 हुआ करते थे और इधर 4 हुआ करते थे लेकिन 2 खराब हो गए और 3 उधर लगा दिए हम लोगों ने। और बाबा हवा चल रही है बहुत ज्यादा, अच्छा मौसम हो गया, सूर्य देवता जा चुके हैं। और ये तीनों दिखाती हूँ पास से, इस पे नया फूल आ गया, अरे बारिश भी आ गई, बारिश आ गई, बारिश आ गई। यहाँ पे मैंने अपनी और इनकी प्लेट लगा ली है, बच्चे और ये आ चुके हैं, सब्जी रोटी रायता और चावल सलाद, आप लोग भी खा लीजिए। और एक बार जरूर ये समय और अपने बीच में चैलेंज करके देखिएगा कौन जीतता है, आप या समय। आप जीत गए तो
तब भी कोई बात नहीं, समय जीत गया तब भी कोई बात नहीं, काम आपका ही निमटना है, चाहे समय पर निमटे चाहे समय से थोड़ा बात निमटे। लेकिन ये जो समय और आपके बीच में चैलेंज होता है ना, ये बड़ा मज़ेदार होता है, मुझे बड़ा मज़ा आता है और मैं सोचती हूँ कि मैं समय को हरा दूँ, लेकिन भैया समय तो चलता रहता है, उसको कोई नहीं हरा पाता है। लेकिन अगर आपके इरादे मजबूत हैं तो आप समय को भी पीछे छोड़ देते हैं। तो चलिए करिएगा और मुझे बताइएगा उस दिन कमेंट करके। तो मैं ना कॉफी फेंट रही हूँ अपने लिए, कॉफी और चीनी और पानी, और बहुत ठंड हो गई है सच में यार। फरवरी में इतनी ठंड नहीं होती थी, धूप निकल गई थी उसके बाद ना थोड़ी सी बारिश हुई, मौसम चेंज हुआ, फिर एकदम से धूप भी निकली, लेकिन ठंड हो गई है, काफी ठंड हो गई है। और तन्मय को थोड़ी देर पढ़ाया और वो गया है बाहर गुड्डू के साथ, और मैंने कहा चलो मैं कॉफी पीती हूँ, थोड़ा मेरी आज ना तबीयत सी खराब है। मैं आप लोगों को बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में, मेरा थोड़ा सा हो रहा है कुछ अजीब सा। आपका मूड खराब हो ना तो कुछ ऐसी चीजें करो जो आपको करनी अच्छी लगती है, जैसे किसी को कुकिंग करना अच्छा लगता है। वैसे कभी कभी जब मूड खराब होता है ना, कुछ भी करने का दिल नहीं करता है, चाय कॉफी पीने का करता है, वो भी कोई दूसरा बना के दे। एक तो ये जब ठंड बढ़ती है ना तो मेरी कमर में भी दर्द बढ़ जाता है, और जब कमर में दर्द होता है तो फिर कुछ भी करने का दिल नहीं करता। पहले नहीं थी इतनी शिकायत, रोज सोचती हूँ डॉक्टर के पास जाऊंगी जाऊंगी जाऊंगी, फिर सोचती हूँ छोड़ ना, इतनी दवाइयां दे देंगे, पैसे लगेंगे, मेडिकल से अलग लेनी, वो अलग, मतलब बहुत सारी चीजें सोच के मैंने कहा छोड़ो, नहीं लाते। बहुत सारी औरतें ऐसे ही करती हैं जो कि नहीं करना चाहिए, बहुत टाइम लगता है इसे फेंटने में। कॉफी बहुत टेस्टी थी, वही वाली बनी कड़क वाली, जैसे तेज पत्ती ना वैसे तेज कॉफी वाली। एक पाउच से नहीं बनाई, दो पाउच से बनाई। और चलिए भाई दीजिए मुझे इजाजत, कल मिलती हूँ आप सबसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।